हेलो एवरीवन, और मैं जी सर वेलकम करता हूं आपका बीएचयू पाठशाला में। फ्रेंड्स, फाइनली 2023 सीयूईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने इसमें सिलेक्शन लिया है वो हमसे मिल करके जब ये बताते हैं कि उन्होंने हमारे कोचिंग के थ्रू या फिर हमारी इस पूरे इंस्टीट्यूट के थ्रू जब प्रिपरेशन की और वो मिल करके हमें थैंक्स बोलते हैं, नीर सर को थैंक्स बोलते हैं, तो वो मोमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउडी मोमेंट होता है। फ्रेंड्स, कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ मार्जिन से इस एग्ज़ाम को मिस किया, तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने सिलेक्शन लेने के बाद भी इसको छोड़ने का फैसला किया। तो इट डिपेंड्स अपॉन देम कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है, उनकी जर्नी क्या है, वो उसे किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। 2023 की प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के बाद अब वक्त आ चला है 2024 में मूव ऑन करने का। ठीक है, हमें हमारी परिस्थितियों से सीखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और वही करने जा रहे हैं हम और आप। बहुत दिनों के बाद में और आप मिल रहे हैं क्योंकि जो प्रिपरेशन हम आपके लिए कर रहे थे दैट टेक्स टाइम, और फाइनली हम एक ऐसी वीडियो के साथ में आपके सामने आ चुके हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा अवेटेड थी ये चीज। हम आपके साथ में आज डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश सीयूईटी यूजी एंड पीजी। फ्रेंड्स, जिस भी आप YouTube पे सर्च करोगे कहीं ना कहीं आपको ये टाइटल दिखेगा, पर उसके साथ में उनका प्रोमो जुड़ा हुआ होता है। पर ये जो वीडियो रहने वाली है ये बिल्कुल भी आपके लिए बनाई गई वीडियो है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कि आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगी। आज हम जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिकली फॉर सीयूईटी इंग्लिश यूजी एंड पीजी फॉर 2024। ठीक है, फोर पार्ट्स में हम इस वीडियो को पूरा डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। आप 2024 में अगर इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो, लैंग्वेज पेपर में अगर आपने इंग्लिश लिया हुआ है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के बाद हम मूव करेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हमें कवर करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट कि भैया हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, हमने बहुत अच्छे से ये भी जान लिया कि हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारा स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो चुका है, पर भैया 2024 में पैटर्न कैसा रहने वाला है। 2022 से कुछ बच्चों ने सीख करके 2023 में इंप्लीमेंटेशन किया। अब 2023 और 22 आपके पास 2 साल है जिसको आप पैटर्न को एनालिसिस करके आप आगे की तरफ देख सकते हो कि भैया हमारा प्रैक्टिस का तरीका क्या रहने वाला है, 2024 में किस तरीके से पेपर आने वाला है। और जब हमें यह भी पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, तब फाइनली हम मूव ऑन करेंगे स्टडी मटेरियल पर। ठीक है, तब हमें पता करना होगा कि कहां कहां से वेराइट सोर्सेस से हम अपने स्टडी मटेरियल को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको अपनी प्रिपरेशन को इनरिच्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंटरव्यू जिसमें आज हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिकली फॉर सीयूईटी यूजी एंड पीजी 2024, जिसमें हम लोग 4 पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज योर स्ट्रैटेजी, सेकंड वन इज योर कॉन्सेप्ट, थर्ड वन इज योर प्रैक्टिस, एंड फोर्थ एंड नॉट लीस्ट स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए मूव ऑन करते हैं हम आगे। तो पहले जो चीज रहने वाली है ना, वो रहने वाली है आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, किसी भी चीज को बिना स्ट्रैटेजी के साथ में अगर आप स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेटली वो आपको उतना प्रोडक्टिविटी नहीं देती जितना कि साथ आप स्ट्रैटेजी के साथ में करते हो। सुबह उठने के बाद में अगर आप सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो कि आज हमको ये काम करना है, तो आप उस हिसाब से अपने पूरे डे को शेड्यूल कर लेते हो। और बिना शेड्यूल की अगर आप करते हो तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आप बेसिकली पढ़ने क्या वाले हो या करने क्या वाले हो, क्योंकि हर चलना पहुंचना नहीं होता। और यही चीज हम इसमें देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे कवर कंप्लीट सिलेबस विद इन 2 मंथ्स। आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि भैया हमको तो बस सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस लगाने हमारे हो गए। पर कब तक करना है? 2024 का सीयूटी का एग्जाम जस्ट आने वाला है, फॉर्म्स आने वाले हैं, 2023 का जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है, तो हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है और ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए भी नहीं बचा है। तो कंप्लीट सिलेबस विद इन 2 मंथ्स, क्योंकि आपको इसके बाद में इंग्लिश के बाद में जीएस की प्रिपरेशन करनी है, आपको लैंग्वेज की प्रिपरेशन में इंग्लिश या फिर कोई एक अदर लैंग्वेज करना, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है। तो इंग्लिश के लिए आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स दिए जा सकते हैं, जो जिसमें कि आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। तो कवर कंप्लीट सिलेबस विद इन 2 मंथ्स। अब इन 2 मंथ्स में हमें प्रायोरिटाइज क्या करना है, प्रायोरिटी पे किस चीज को पढ़ना है या सेकेंडरी बेसिस पे हमें क्या पढ़ना है? तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ोगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस एरर डिटेक्शन, जंबल वर्ड्स एंड सेंटेंस मिसस्पेल। ठीक है, आपको देखो बेसिकली समझना ये होगा जो एग्जाम डिमांड कर रहा है ना, उस पर आपको ज्यादा एम्फेसाइज करके चलने की जरूरत है, ज्यादा फोकस करके चलने की जरूरत है। आप अगर अनवांटेड थिंग्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, आप वो कैप जिस पे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं पर वो भी अनसर्टेन होते हैं कि वो क्वेश्चन बेसिकली आएंगे कहां से, तो हमको क्या करना है, उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करना है जिससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अकेले सीयूटी के एग्जाम में अगर आप रीडिंग को कॉम्प्रिहेंशन से देखो तो 5 से 7 क्वेश्चंस एक पैराग्राफ से आते हैं। फिर हमारे सेंटेंस इरर और डिटेक्शन से आप देखो तो सेंटेंस में जो इरर होती है उसको देखना होता है, वर्ड में इरर होती है उसको देखना पड़ता है,
वो भी आपके 4 से 5 नंबर्स को कवर करता है। नेक्स्ट जंबल वर्ड एंड सेंटेंसेस, ठीक है, हमें जो सीक्वेंस होता है सेंटेंसेस का या पूरे एक पैराग्राफ का वो बदल करके दे दिया जाता है और उसको हमें अपने वाइसली देखना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस किस क्रम में लगाया जाएगा। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में देते हुए चलना है कि हम प्रायोरिटी बेसिस पे इसको करें। और फिर आता है मिस स्पेल्ड, और मिस स्पेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक छोटी सी छोटी स्पेलिंग, स्पेलिंग की स्पेलिंग क्या होगी, मिस स्पेल्ड की स्पेलिंग क्या होगी, ये सारी स्पेलिंग्स हमको जो आती है पर बेसिकली हम समझ नहीं पाते कि इसमें प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। और वो बच्चा जो अपनी वोकैब को अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है, जो इस चीज को समझता है कि उसकी वोकैब में क्या प्रॉब्लम है, उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करके अगर वो आगे की पढ़ाई करता है तो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन अ मच वाइडर वे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे तो ये चीजें हमने कवर कर ली कि चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस एरर, जंबल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड मिस स्पेल्ड, भैया ये हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है। पर सेकेंडरी हमें और किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है साइनोनिम, एंटोनिम, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, ठीक है, एंड वर्ड मीनिंग्स, वोकैब्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, देखो अगर आपको सबसे कम अगर इम्फेसाइज अगर किसी चीज पे करना है तो वो ग्रामर के अलावा और चीजों पे करना है, बाकी चीजें आपकी जो होंगी ना वो रीडिंग के साथ में आपकी हो जाएंगी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हम अपनी रीडिंग हैबिट कैसे बनाएंगे, ग्रामर को कैसे देखेंगे। सबसे ज्यादा जो फोकस करने की जरूरत है वो हमारे है ग्रामर पे करने की, क्योंकि ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो इसमें नाउन कहाँ पे है, प्रोनाउन क्या पे है, या अंडरलाइन किया हुआ जो सेंटेंस है या फिर वर्ड है वो नाउन है या फिर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आपका मेन रोल प्ले करने वाला है। और साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो अनसर्टेन है ये कहां से पूछे जाएंगे, पर जो वैराइटली यूज किए जाते हैं उनको आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा आएगा वर्ड मीनिंग, जिसको हम लोग वोकैब भी कहते हैं। ए से लेकर के जेड तक की सारी वोकैब आपको नहीं करनी है, पास्ट ईयर का पेपर उठाओ, उसको एनालिसिस करो और देखो कि जो वोकैब के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली किस एरिया से आ रहे हैं, वो एक सिंपल है, मीडियोकर है या हार्ड लेवल के वोकैब है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। पर ये काम आपका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर होगा तो हम एक और एनालिसिस करवा देंगे, पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देखो, मॉक टेस्ट को उठा करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि जो वर्ड टाइप्स है वो किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एक प्लेस लेफ्ट कर दिया जाएगा और उसमें से जो सुटेबल ऑप्शंस होंगे उसमें चूज करके आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये रहने वाली है हमारी स्ट्रैटेजी कि सबसे पहले भैया हम 2 मंथ्स में अपना करेंगे सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में हमें कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को सेकेंडली बेसिस पे पढ़ना है। आप इक्वल इंफेसाइज नहीं दे सकते इन सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा और ये हमारा जाता है स्ट्रैटेजी में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है, कहां से कवर करने वाले हैं, क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, इन सभी चीजों को हम जरा सा देख लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ईच टॉपिक आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ आएगा उसको पढ़ूंगा मैं और उसके बाद मैं क्या करूंगा उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, फिक्शनल होता है, नॉन फिक्शनल होता है, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और एक एक टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अलग अप्रोच होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़े कि पहले टॉपिक पढ़े, और इन सभी चीजों के बारे में हम जो एक सेपरेट कोर्स लेकर के आएंगे बीएचयू पाठशाला के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, उस पे हम इन चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर आज की जो डिस्कशन रहने वाली है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टुअल चीज पे रहने वाली है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ईच टॉपिक होना बहुत जरूरी है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स हो, वोकैब हो, जनरल आपकी इंग्लिश हो, या फिर आपको जो रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स है, इन सब का अप्रोच क्या होना चाहिए, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ये हम जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 50-20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग करते हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, आप बुक्स रीडिंग करते हो, उन बुक्स से, उन न्यूज़पेपर से आपको क्वेश्चंस खुद आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको खुद से निकालना होगा और उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना होगा घर पे बैठ करके। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपने कोई एक आर्टिकल पढ़ा रशिया यूक्रेन वार का, आप खुद से उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो, उसके जो हार्ड वोकैब्स हैं उनको कंप्लीट करो, उसमें आइडेंटिफाई करो कि इसमें नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद बनाओ और उनके आंसर्स खुद टिक करो। तो ये आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल में। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ईच टॉपिक, देन प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 50-20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। ठीक है, ये डेली बेसिस पे करना है। एंड मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर प्रॉब्लम्स,
नोट्स एंड पॉइंट्स। अब इंग्लिश से रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको सब सुन करके अगर भूल जाना है ना तो मत ही देखो आप इस चीज को। अगर आपको इसको अच्छे तरीके से कवर करना है, आपको प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उसको नोट करते हुए चलना है, जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको उसको नोट करना है या फिर आपको पॉइंट्स नोट करने हैं इससे रिलेटेड, आपको एक सेपरेट इंग्लिश के लिए नोटबुक बनानी बहुत जरूरी है। बिना सेपरेट नोट बनाए आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। आपको एक सेपरेट नोट बनाना जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखोगे, हार्ड वर्ड्स लिखोगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चल रहे हैं एग्जाम्स रिलेटेड वो लिखोगे, और आपको अपने पॉइंट्स भी लिखने, बुलेट पॉइंट नोट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स के बुलेट पॉइंट नोट्स, ठीक है, ये आपको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इफ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देन क्या करना चाहिए हमें, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम रीवॉच वीडियो करें उस टॉपिक से रिलेटेड। सपोज करो आपको एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स में दिक्कत आ रही है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने की जरूरत है कि भैया हम पीछे जाते हैं, पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भैया आ कहां से रहा है क्वेश्चन का टाइप। नेक्स्ट कि आप और ज्यादा अगर मान लो आपको साइनोनिम्स या एंटोनिम्स के अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स को कवर करो, फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि चलो भैया ये दिक्कतें आ रही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इन इन टॉपिक्स को हम समझने में, एडजेक्टिव समझने में दिक्कत आ रहा है, इन चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये आप करोगे, रीवॉच वीडियो करनी है आपको, ठीक है, रीवॉच वीडियो करना है, रिवाइज करना है बेसिकली। और नेक्स्ट है प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन मोर एंड मोर। आप अगर किसी चीज को करने में अच्छे नहीं हो, सपोज करो आपको रोटी बनानी नहीं आती, ठीक है, जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिनको रोटी बनानी नहीं आती, तो आप क्या करोगे, भागोगे आप उससे? नहीं ना, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, एंड अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा, अल्टीमेटली एक ऐसा फेज आएगा जिसमें कि आप रोटी बनाना सीख जाओगे। तो यही चीज होगा, आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उस पर्टिकुलर डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन की, उतनी ज्यादा प्रोफिशियंसी, उतनी ज्यादा परफेक्शन आपके काम में आने वाली है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिविजिट द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू रीवॉच द वीडियो, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ लॉट, क्योंकि रोटी बनाने से ही बनेगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारी कॉन्सेप्ट का, अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रैक्टिस का। देखो प्रैक्टिस सेट ना मैंने बहुत एम्फेसाइजली डिजाइन किया है, इस पोर्शन को तो तुम लोग स्किप कर ही नहीं सकते, इसको अभी तुरंत के तुरंत अपनी नोटबुक में नोट करो। प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो हम तीन पार्ट्स में करेंगे, डेली, वीकली एंड मंथली। देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा भी दिया है कि मंथली प्लानर, माई वीक प्लानर और माई डेली प्लानर, ठीक है, ये आपको करना है। और इस पर थोड़ा सा स्पेशली इम्फेसाइज कर लो, अगर आपके स्पीकर का वॉल्यूम कम है तो बढ़ा लो, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या करना है, 5 क्वेश्चंस ईच टॉपिक पे करने ही करने हैं। मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो आपको ये टॉपिक्स बताए थे ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस एरर, जंबल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड मिस स्पेल्ड, इनसे रिलेटेड साइनोनिम, एंटोनिम, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड मीनिंग, वोकैब, फिलिंग द ब्लैंक्स, इनसे रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, इसको नहीं स्किप कर सकते तुम। सेकंड, आरसी, रीअरेंजिंग, मिस स्पेल्ड, जो मैंने वहां से पीपीटीज दिखाई वही चीज मैंने यहां पे भी नोट करके रखा हुआ था आपको बताने के लिए कि आरसी रीअरेंज, आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग और मिस स्पेल्ड से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो तुम डेली लगाओ, ठीक है। 5 क्वेश्चन का मतलब एक आरसी लगाओ डेली बेसिस पे, रीअरेंजिंग करो और मिस स्पेल्ड करो। नेक्स्ट, रीड न्यूज़पेपर, यार अगर तुम तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना, देन ऑल्सो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आपका वोकैब अच्छा होगा, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपकी जीके अच्छी होगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो स्किप कर ही नहीं सकते, और इस समय में हम लोगों को दैनिक जागरण या अमर उजाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो अच्छे न्यूज़पेपर है, पर अभी फिलहाल हमें जरूरत है इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पढ़ने की, क्योंकि हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, यहां पे बात किसकी हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। तो हमें अभी फिलहाल में इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करना है, तो न्यूज़पेपर कोई भी एक सब्सक्राइब कर लो डेली बेसिस पे, 4-5 रुपए का आता है, उससे तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इनरिच हो जाएगी। नेक्स्ट, 10 पेजेस ऑफ बुक। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया हमारे घर पे भैया बुक ही नहीं है, आप तो इतने खर्चे करा दे रहे हो मेरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के घर पे कहीं ना कहीं हमारी पुरानी बुक, इंग्लिश की बुक, हमारे सिलेबस की बुक होगी जिसको आपको 10 पेजेस डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। अगर आप 10 पेजेस डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो महीने भर में आप कितनी बुक्स पेजेस पढ़ते हो, 300 पेजेस, और साल भर में 3650 पेजेस, और अगर आप 3650 पेजेस पढ़ रहे हो तो उसके अंदर कितने हार्ड वर्ड्स होंगे आप समझ सकते हो। और अगर आप उन सारे हार्ड वर्ड्स को कंप्लीट कर ले रहे हो ना, अभी आने वाले टाइम में 2-3 महीने में आप मेहनत कर दे रहे हो ना, आपको बहुत रिलैक्स होने वाला है, ये प्रिपरेशन फेज जो होता है ना आपको बदल करके रख देने वाला है। सीयूटी की जो प्रिपरेशन हम करा रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके सब्जेक्टुअल नॉलेज के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है। और वो बच्चे जो सीयूटी यूजी के अलावा किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनको
उनको भी एटलीस्ट हमारा ये कोर्स देखना चाहिए, हमारा सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करनी है तो डेफिनेटली हमें न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए या फिर हमें बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। और लास्ट है नोट हार्ड वर्ड्स। आप अगर बुक पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और अगर उसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को फेस कर रहे हो कि भैया ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मैंने जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में भी बताया, आपको उन वर्ड्स को नोट कर लेना है। तो डेली बेसिस पे तो आपका ये फंक्शन होने वाला है। अब वीकली देख लेते हैं भैया कि वीकली में क्या करना है हमको। सबसे पहला वन टेस्ट फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। कहीं ना कहीं आप अगर देखने बैठो या मैं आपको भी गूगल पे दिखाने बैठू ना, हजारों फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पड़े हुए हैं जिसको लोग देते नहीं है। भैया मेरे पास तो मटेरियल ही नहीं है, भैया मैं पढ़ने कहां जाऊं, भैया मेरे पास तो बुक ही नहीं है, भैया मैं टेस्ट कहां से लगाऊं। अगर आप देखने जाओगे ना, हजारों ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स पड़े हुए हैं, जाकर के वहां से CUET UG की या फिर किसी भी अदर एग्जाम की टेस्ट लगाओ। ठीक है, टेस्ट लगानी है ऑनलाइन सोर्सेस से आपको, और इसको स्किप मत करो वीकली बेसिस पे। संडे को या सैटरडे को बैठो, एक टेस्ट फुल लेंथ मॉक लगाओ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई इसको रामायण बोलते हैं, उसको बाइबल बोलते हैं, आप बोल लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये बताता है कि हमारे में आने क्या वाला है। अगर एक बात बताओ, आप किसी से लड़ने जा रहे हो, उसकी हिस्ट्री उठा करके देखोगे कि किस टाइप के हथियारों से वो आक्रमण करता है, क्या वो आक्रामक है या डिफेंडिव है, किस टाइप का वो आक्रामक है। तो ये जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिवीजन ऑफ ईच कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिवीजन ऑफ ईच कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने पढ़ करके रखा हुआ है उसका रिवीजन करना है उस दिन, जिस दिन आप स्पेसिफिकली बैठो उसके लिए। और सेट टारगेट्स फॉर नेक्स्ट वीक, अपने अगले हफ्ते में हमें करना क्या है इसकी भी तैयारी आपको शुरू कर देनी है कि हमको अगले हफ्ते में क्या पढ़ना है ये देखना है। ठीक है, और ये डेली बेसिस वाला चलता रहेगा आपका। फाइनली हमारा आता है मंथली प्लानर। मंथली प्लानर सिर्फ मंथ में एक बार करने के लिए, ये आपको ओवरऑल मंथ में क्या करना है ये बताता है। एटलीस्ट 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, 3 आपको CUET के, UG के, इंग्लिश के या फिर अदर सब्जेक्ट्स के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। ये और भी सब्जेक्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर के वर्ड मीनिंग्स आपको जो आपने लिख करके इतने महीनों के बचा करके रखे उनको याद करना है मंथ में। ठीक है, उसके बाद में रिवीजन ऑफ ईच टॉपिक करना है, आपको रिवीजन जो कहे वो करना है एक बार इन सभी चीज़ों का। नेक्स्ट और आखिरी स्टाइल हमारा जो मटेरियल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इसको हम लोग थोड़ा स्किप करके पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। BHU पाठशाला आपके लिए स्पेसिफिकली कंप्लीट कोर्स लेकर के आया है, जिसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बाई करना चाहते हो तो आप 9519383272 पे कॉल करके ले सकते हो। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर हमें डेली बेसिस पे पढ़ना है, ये भी हमारा एक सोर्स रहने वाला है। फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल की बुक पढ़नी, बेसिकली समरी जो मैं आपको बता रहा हूं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको डेली बेसिस पे अटेंड करने हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक वाइज वीडियो जो कि अलग अलग चैनल्स पे, हमारे भी चैनल पे मिलता है, जिसको आप देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था बेसिक आपका जो पूरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश का कि कैसे तैयारी करें यूजी और पीजी के लिए। मैं आपको एक बार फिर से दिखा सकता हूं, हमने स्ट्रेटजी पढ़ी कैसे करना है, फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद देखा प्रैक्टिस कैसे करनी, और प्रैक्टिस के बाद में हमने पढ़ा मटेरियल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, अच्छे से पढ़ना है, हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना है, जो भी समस्या आती है आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2024 यूजी एंड पीजी एग्जामिनर्स जो आप देने जा रहे हो CUET के लिए। अच्छी से तैयारी करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और आप जल्दी हमसे मिलकर के हमें थैंक यू बोलोगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।